हेलो गाइस, जब सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा का टीजर आया था तब ऑडियंस ने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मिला था, जिससे इस फिल्म पर भरोसा करना और भी ज्यादा आसान हो गया था। और आज इस फिल्म का टेलर रिलीज हो गया, तो आइए बात करते हैं कि टेलर अच्छा है या फिर बुरा है। लेकिन उससे पहले अगर तुम चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर तुमको फिल्मी दुनिया की रेगुलर और सही सही अपडेट हमेशा मिलती रहेंगी। यार मैंने कल अपनी फेस वाली वीडियो डाली जिस पर बहुत ही कम व्यूज आए हैं और लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट भी किए हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं एक बहुत ही छोटा सा यूट्यूबर हूँ, मेरे पास औजारों की बहुत ही ज्यादा कमी, जैसे कि एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा वाला फोन होना, वो भी मेरे पास नहीं है। मैंने कल ग्रीन स्क्रीन लगाया जिस पर लाइट का बहुत ज्यादा इफेक्ट था, तो लोगों ने उस पर भी नेगेटिव कमेंट किए हैं। यार धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ऐसे सपोर्ट मिलता रहा ना तो बहुत ही जल्दी सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। खैर छोड़ो, ये सब तो एक आम बात हो गई, जब तक कि सोशल मीडिया पर कमेंट बॉक्स में गालियां ना पड़े तब तक पता ही नहीं चलता कि तुम सोशल मीडिया पर आ चुके हो। वापस आते अपने वीडियो के टॉपिक पर, जब इस फिल्म का टीजर आया था तब ऑडियंस ने उसे जमकर सपोर्ट किया था, लेकिन 60 सेकंड के टीजर को देखकर 130 मिनट की फिल्म का टिकट खरीदना या नहीं खरीदना इसका फैसला कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। लेकिन अब आप बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि इस फिल्म के टिकट को खरीदना या फिर नहीं खरीदना, क्योंकि 2 मिनट 40 सेकंड का टेलर भी आप लोगों के सामने परोस कर रख दिया गया है। टेलर में सिद्धार्थ मल्होत्रा फुल ऑफ आर्मी यूनिफॉर्म आफ्टर शेरशाह, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन तुम्हें और क्या चाहिए। टेलर फुल ऑफ एक्शन है और कहानी को चलाने के लिए बढ़िया वाले इमोशन का उपयोग किया गया और कॉन्सेप्ट है देश का, जिसके साथ ऑडियंस बहुत ही गहरा लगाव रखती है। इस टेलर की तारीफ करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेलर को बड़ी ही चालाकी से काटा गया इस फिल्म के मेकर्स की तरफ से, जिसे आप देख कर ही समझ जाओगे कि फिल्म की कहानी कैसे होने वाली है। 2 मिनट 40 सेकंड के इस टेलर में पिक्चर की पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर दिया गया, मतलब सिंपल है कि टेलर को देख लो और कहानी समझ में आ जाएगी। बस एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही, जब टेलर में ये डायलॉग बोला जाता है कि संदिग्ध हाईजेकर एक भारतीय फौजी होने की आशंका जताई जा रही है, यहाँ पर कुछ तो ट्विस्ट जरूर है जिसका खुलासा आप लोगों को 15 मार्च को ही पता चल पाएगा। इस फिल्म के अंदर एक नहीं बल्कि दो दो प्लेन हाईजेक देखने को मिलेंगे, ये बात मैंने जब इस फिल्म के टीजर को रिव्यू किया था तब भी आप लोगों को बताया था। इस फिल्म के अंदर जो पहला हाईजेक होगा उसे रोकने में शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा नाकाम हो जाते, जिसकी वजह से उनकी वर्दी भी छिन जाती है और इसी वर्दी को वापस पाने के लिए उनके सर पर जुनून चढ़ जाता है और फिर से वह दूसरा प्लेन हाईजेक रोकने की या फिर प्लेन को खुद हाईजेक करते हैं। ये जो ट्विस्ट है ना, ये जब फिल्म रिलीज होगी तभी आप लोगों को पता चलेगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा दूसरा वाला हाईजेक रोकते हैं या फिर खुद ही प्लेन को हाईजेक करते हैं, यही इस फिल्म की कहानी का असली ट्विस्ट मुझे लग रहा है। बाकी तो इन्होंने कहानी को पूरा का पूरा रिवील कर दिया है। अब इतनी छोटी सी बात जानने के लिए आपको थिएटर जाना है या फिर नहीं जाना ये आप ही डिसाइड कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस फिल्म के अंदर और कोई ट्विस्ट होने वाला है। लेकिन इस फिल्म के अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा की परफॉर्मेंस मुझे एकदम बेस्ट लग रही है, फिर चाहे इमोशन हो, एक्शन हो, रोमांस हो, कुछ भी हो, सब में वो एकदम फिट लग रहे हैं। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स को थोड़ी सी इज्जत जरूर कमा के देगी। और इस फिल्म के अंदर जितने भी एक्शन सीन है उसमें से ज्यादातर सीन एक प्लेन के अंदर ही शूट किए गए, मतलब ये कि हमारे इंडिया में लगभग ना के बराबर ही ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें कोई नई तरीके का एक्शन सीन दिखाया जाए, बस प्यार मोहब्बत लव ड्रामा इसी सब में खत्म हो जाता है यार। लेकिन इस फिल्म के अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें फाइटर फिल्म में भी देखने को मिला है, जो एक्शन सीन होंगे वो ज्यादातर आसमान में होंगे और प्लेन के अंदर होंगे। तो अगर आपको ऐसे सीन्स या फिर एक्शन वाले अवतार में सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखना है तो ये फिल्म देखने के लिए आप थिएटर तक जरूर जा सकते हैं 15 मार्च को। और योद्धा फिल्म के इस ट्रेलर को तुम 5 में से कितने स्टार कमेंट बॉक्स में दोगे जरूर देख के जाना। फिर मिलता हूं तुमसे तगड़ी तंदुरुस्त वाली अपडेट के साथ, तब तक के लिए भारत माता की जय।